भिंड में आबकारी विभाग की अनदेखी के चलते जिले में अवैध रूप से शराब का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं देसी शराब की दुकानों पर नाबालिग बच्चों को भी शराब दी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत कलेक्ट्रेट पहुंचकर भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे देसी शराब की दुकान पर एक नाबालिग बच्चे को शराब दी जा रही है। इस पर उन्होंने मांग की कि तुरंत ठेका संचालक पर उसका ठेका निरस्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस मांग के बाद कलेक्टर ने जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा को आश्वस्त करते हुए कहा कि शीघ्र ही हम ठेका संचालकों पर उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन ने शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की तो जिले में विभागों के उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। निश्चित तौर पर भिंड में प्रशासन की अनदेखी के कारण जिला शराब माफियाओं के लिए एक अड्डा बन गया है। लगातार जहरीली शराब से भिंड जिले में जिस प्रकार से मौतों का सिलसिला जारी है, यह हम सब लोगों के लिए दुखद और बड़ा खेद का विषय है। अभी एक छोटी सी घटना कल ही हमारे संज्ञान में आई कि मुरलीपुरा मोड़ पर शासकीय वो स्वीकृत दुकान पर, देसी शराब की दुकान पर, वहाँ छोटे से मासूम बच्चों को शराब विक्रय की जा रही है। हमने कलेक्टर भिंड को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध मामला भी पंजीबद्ध किया जावे और उनकी स्वीकृत जो दुकान है शराब की, उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जावे। हमें उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। ये एक ही दुकान पे ऐसा पाया गया कि जिले में अधिकांशतः ऐसा होता रहता है? नहीं, निश्चित तौर पर जो आबकारी अधिकारी है, जिस अब उनके संरक्षण में चल रहा है, उनकी मिली भगत से चल रहा है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके पाले में भी आता है। आप किस प्रकार के अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो? जिले में लगातार शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं और आप उसमें भी असफल साबित हो रहे हो। जहरीली शराब की बिक्री के कारण हर वर्ष दर्जनों की संख्या में मौतें हो रही हैं और आपको पता तक नहीं है। और जो स्वीकृत ठेके जो आपकी निगरानी में हैं और उन पर भी बच्चों को शराब का वितरण किया जा रहा है। आखिर आप इस भिंड जिले को किस स्थिति में ले जाना चाहते हो? आज कोविड कोविड की जो स्थिति भिंड जिले में है, उसको देखते हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने, सीमित लोगों ने आकर भिंड कलेक्टर को अपनी बात को अवगत कराया है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात का भी वो ध्यान रख लें कि भिंड के साथ अगर इस प्रकार मौतों का सिलसिला चलता रहा, भिंड के साथ इस प्रकार से अन्याय होता रहा, तो हम लोग फिर किसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे और जन आंदोलन करेंगे और रोड पर भी आएंगे। ऐसे अधिकारियों को भिंड में रहने की का कोई महत्व नहीं है जब लगातार जो अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। तो इसमें मुख्य